एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं कॉन्ट्राबैंड पुलिस। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमने एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को सही सलामत हमने उसको ट्रांसफर किया था लेबर कैंप से एक दूसरी जगह पे। हालांकि हमें काफी ज्यादा दिक्कत आई थी क्योंकि उसकी जो गैंग के बंदे थे भाई, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मतलब काफी सारे बंदे कार में भर भर के आ रहे थे, हम पे अटैक कर रहे थे। लेकिन आखिरकार हमने जैसे तैसे करके उसको बचाया, अपने आप को भी बचाया और वहां से उसको लेके हम निकल गए। तो अभी ये तो अच्छी बात है कि हमने उस मुजरिम को जाने नहीं दिया, लेकिन एक बुरी बात अभी ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे कमांडर का हमें मैसेज आया है और वो ये कह रहा है कि कल रात को हमारे पार्लियामेंट में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जहां पे काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि टेररिस्ट अब और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो रहे हैं। तो अब हमें ना थोड़ा सा ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि अब देखो टेररिस्ट यहीं से एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें अब अच्छे से थोड़ी तलाशी करनी पड़ेगी, हम थोड़ा सा ज़्यादा अब सतर्क रहेंगे। तो फटाफट एक काम करते हैं, अपने नोटिस बोर्ड पे देखते हैं, वो काफ़ी सारी लिस्ट आ चुकी है इन स्मगलर्स की, टेररिस्ट वगैरह की। तो एक का गलत है पासपोर्ट, एक का पार्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर CEY है, कर रहा हूँ भाई यूनाइटेड रैली, ब्रोकन विंडोज, व्हीकल कलर ग्रीन और ड्राइवर सेल 54। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। फटाफट से जो अपना पहला बंदा है उसको बुलाते हैं, CEY उसका पार्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्राइवर एज कितनी, 52 की 54 कितनी है, 54 है। एक मिनट, ये बंदा मुझे गड़बड़ सा, ऐसा कुछ लग रहा है एकदम, ये थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है बंदा मुझे। एक मिनट भाई, तू बाहर निकल यहाँ से, मैं ऐसे बंदर नहीं जा सकता। इसको पहले बाहर निकालते हैं, इसके पास बैरल पड़ी है। वैसे बैरल में यार वो तो होता नहीं, क्या कहते ज़्यादातर मैंने देखा है कि बैरल में ना ये देखो होता ही नहीं है सामान कोई भी भाई, लीगल आइटम होता नहीं है। अभी इसके डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे ना सबसे पहले। अब एक काम करते हैं फटाफट से, इसके जो पहले बाहर निकल भाई तू, एक अच्छे से तलाशी करेंगे भाई। अब देखो बिल्कुल अच्छे से हमें तलाशी करने है, एक एक जगह बिल्कुल एक चीज़ में हमने छोड़नी नहीं है। तो यहाँ पे इधर तो इसको ओपन करते नहीं, तो देखो अभी मैंने बिल्कुल अच्छे से चेक कर लिया, इसके पास कोई इलीगल आइटम्स की कार में नहीं है, बट इट्स इसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम चेक करेंगे। तो फटाफट इसका नाम चेक करते हैं, सबसे पहले मिसमैच, नाम ही मिसमैच है भाई, वाह। पासपोर्ट नंबर ये भी मिसमैच, नॉट बैड। और डेट ऑफ ये भी गलत है भाई, ये भी एक्सपायर हो चुका है इसका। और यहाँ पे ये तो चलो ठीक है, लेकिन इसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी, 54 तो नहीं, 26 है, तो भाई अभी जवान है ये। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको जाने तो दे नहीं सकते हम, ठीक है, क्योंकि इसका नाम वगैरह सब कुछ मिसमैच नहीं, मिसमैच है। बट यार इसके पास कोई इलीगल आइटम नहीं है ना यहाँ पे अंदर, इसके अंदर देखने को भूल गया मैं भाई, इसके अंदर हो सकता है। चलो भाई ऊपर चढ़ जा, नहीं है यार इलीगल आइटम तो इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास कोई इलीगल आइटम नहीं है। तो इसको हम जाने ना, मतलब जाने नहीं, वापस भेज देते हैं, बट अरेस्ट नहीं कर सकते हम इसको। चलो एक काम करता हूँ, इसका सामान मैं वापस करता हूँ। अरे भाई, ओ भाई क्या कर रहे भाई तुम यार, स्मोकिंग अलाउड नहीं है भाई यहाँ पे। बट चलो हमने इसका सामान वापस कर दिया और इसको भी अब वापस कर देते हैं। चलो भाई आप वापस जाओ यहाँ से, डिनाइड। तो इसको हमने वापस भेज दिया, बस कुछ गलती ना करी हो हमने, ठीक है, क्योंकि मैंने अच्छे से चेक किया भाई, बिल्कुल अच्छे से। अभी अगले बंदे को बुलाते हैं, भाई ट्रक ड्राइवर आ जाओ भाई, इसके पास कुछ हो सकता है भाई, क्या पता इसके पास कुछ इलीगल आइटम है। और पिछली बार मुझे बंदे कह रहे थे भाई मैंने वो मिस कर, पिछली बार मैंने भाई वो धनी गन मिस कर दी थी, वो लेबर कैंप से मैंने उठाई नहीं थी यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब मैं जाके देखूँ क्या पता वहाँ पर पड़ी हो, नहीं पड़ी होगी। लेकिन चलो इसके पैसे मुझे मिल चुके हैं, और अब एक काम करते हैं, इसकी चेकिंग करते हैं हम। मिस भाई क्या बंदे हैं, ये भी मिसमैच, इसका नाम पासपोर्ट नंबर ये भी मिसमैच, क्या बात है भाई। वैलिडिटी इसकी ये ख़राब है, एक्सपायर हो चुका है, ख़राब नहीं मतलब एक्सपायर है। इसकी एज कितनी है, 36। कार्गो लिस्ट, कार्गो भी है क्या भाई बाहर आ, तो यार एक मिनट रुको, पहले इसका कॉन्ट्राबैंड पकड़ा गया चापली। ओह हरियाली भाई, ये देखो हरा है ना ये कलर, तो ग्रीन कलर वाला हमने पकड़ लिया भाई। पहला बंदा कहाँ गया, हरियाली वाला, ये रहा व्हीकल कलर ग्रीन। चलो चलो भाई निकालो इसका सामान, निकाल चापलूसी, इसके अंदर छुपा के रखा हूँ, निकाल इसको, अल्कोहल निकालो इसको, और भी होगा इसके पास, पैसे दे रहे क्या, बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल, और देखते हैं इसके पास और किसी टायर में, ये दो तो ठीक है, यहाँ पे इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। फटाफट यार अब छोड़ो, हमने इसको पकड़ लेना, तो अंदर में चेकिंग नहीं करूँगा, अब इसको सीधा अरेस्ट ही करो, ठीक है, ज़्यादा चेकिंग नहीं करनी, बहुत टाइम वेस्ट होता है भाई इसमें। चलो आज का जो अपना पहला मुजरिम है वो पकड़ा जा चुका है, और दो मुजरिम हो चुके हैं अपने पास अब,
ठीक है चलो इनको ले चलेंगे लेबर कैंप, थोड़े से पैसे इनके बदले में मिलेंगे। मैं सोच रहा हूँ भाई एआर खरीद लूँ क्योंकि मैंने वहाँ से मिस कर दिया तो मुझे वापस मिलेगी नहीं, तो मैं एक एआर खरीदूंगा आज। CEY भाई ये मुजरिम है, ये भागना नहीं चाहिए, रुको गन निकाल के पहले रखूँगा मैं अपनी, ये तो भागेगा ना इसके टायर पंचर का, क्योंकि ये गड्डी लेके भाग भी सकते हैं ना। रोक 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 दे, चलो उसके पैसे मिलेंगे, हमने बिल्कुल सही तलाशी करी भाई इसकी। तेरे पास तो भाई मुझे पता है इसके पास कुछ ना कुछ तो है, लीगल आइटम, लीगल आइटम है भाई, होना चाहिए, नहीं है तो हम इसको दे के पकड़ लेंगे ना। फ्लैट टायर, बाहर निकल भाई तू, निकल 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 निकल। कोई लीगल आइटम दिख नहीं रहा भाई, CEY इसका रजिस्ट्रेशन नंबर तो है, एक मिनट रुको, ये सारा अनपैक देखिए पड़ा ना, ये तो ये भी अनपैक करो। हम अंदर घुसते हैं, ऐसे सो सकते हैं, इसके पास कुछ इलीगल आइटम नहीं है? नहीं यार, होना चाहिए भाई, ये देखो आएगा ना सामान है भाई इसके पास। यार मेरा वो ख़राब हो गया फावड़ा सा, वो सब चीज़ें ना मुझे खरीद के लेके आनी पड़ेगी। रुको बंदूक से मारते हैं, लाल भाई क्या बात है, ढक्कन खोल दिया पूरा, काउंटरफिट मनी, ठीक है हम पकड़ा गया भाई। मुझे लग ही रहा था कि इसके पास सामान क्यों नहीं दिख रहा। अबे वो ओ भाई एक मिनट, ये जा कहाँ रहा है? रुक रुक, अबे निकल गया यार वो, शिट, जल्दी 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 स्टार्ट हो, आयरन ऑन करो, निकलो। अबे यार मैंने एक टायर तो उसका पंचर कर ही दिया, मैं तो सोच रहा था मैं उसको अरेस्ट करूंगा, लेकिन भाई गड्डी लेके भाग गया यार वो, बट चलो कोई बात नहीं पकड़ा जाएगा वो। अबे नहीं 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 ठोकनी नहीं, ठोकूंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, दूर निकल जाएगा, अभी ज़्यादा दूर है नहीं, उसको पकड़ना है बस एक बार, बस मैं उसको ओवरटेक कर लूँ ना फिर तो आराम से उसकी पिटाई होगी। अबे यार मुड़ गया, ये दिक्कत होगी ना। अबे मुड़ गड्डी, ये बैक क्यों नहीं हो रही? यही भाई दिक्कत लगती है, वो यहाँ से टर्न ले ली ना उसने, नहीं तो मैं उसको टेक ओवर करने वाला था, बट चलो कोई बात नहीं, फटाफट पकड़ता हूँ मैं उसको, ज़्यादा दूर थोड़ी निकलेगा वहाँ से। ओके रुक 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 रुक, इधर इधर बेटे तो बहुत भाग रहे हैं, बहुत भाग रहा था तुम, पहले बाहर निकल, एक मिनट। अरे यार इसको मैं अरेस्ट कर सकता हूँ सीधा, चलो कोई नहीं सीधा अरेस्ट ही करो, चलो ज़्यादा दूर इसने भगाया नहीं, हमने इसको पकड़ ही लिया। ओके फटाफट चलो, और अब हमें यहाँ से वापस निकलना है, इंजन स्टार्ट करो सबसे पहले, ठीक है वापस यहाँ से चलना अपने बॉर्डर पोस्ट पे। कितने दूर हैं हम, कहाँ कहाँ पे हैं हम अपनी लोकेशन? ठीक है ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से बस मुझे ना बैक करनी है अपनी गड्डी, उसके बाद ये जो रोड है ना अपना, यहाँ से सीधा निकलना है हमें, ठीक है मैप पर मैं काम करता हूँ, कर देता हूँ यहाँ से बैक, चलो फटाफट से यहाँ से निकला जाए सीधा अपने बॉर्डर पोस्ट वापस। ओके तो देखो अभी हमें एक ये बंदा मिला है, और इसका जो स्टैम्प है ना वो गलत है, देखो ये यहाँ पे किंगडम ऑफ आरके है ना, आरके जो भी लिखा है, और यहाँ पे अगर हम जाते हैं, और अगर हम यहाँ जाते हैं किंगडम ऑफ आरके, और तो ये देखो यहाँ पे इनकी ये तीन स्टैंप है, और ये भाई अपनी अलग ही स्टैंप लेके आया, पता नहीं कौन से देश की स्टैंप लेके आया पता भी नहीं ये, तो इसके पास कुछ इलीगल आइटम हो सकता है, क्योंकि एक बंदा था ना जिसके पास ये देखो बोलने की जरूरत नहीं है, सामान है इसके पास, बाहर निकल, अबे बाहर निकल, डर क्यों रहा है, मारूंगा थोड़ी, सीधा जेल में जाएगा तू, यहाँ से निकल तू बाहर। इसको यार खोलने के लिए मेरे पास वही नहीं है ना, देखो खुलेगा ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं अंदर चल के ना चाकू से काम करते हैं, चाकू निकालते हैं और चाकू से फाड़ते हैं, ये निकाल भाई, क्या लेके जा रहा है, कॉन्ट्राबैंड फाउंड, ओ वेपन्स लेके जा रहा था ये चापली, कैसे दे रहा है, कितने दे रहे हैं 650, इसको बंद करो, इसको भी बंद करो, और इसको करो सीधा अंदर, रुक जा रुक जा बेटे तेरे को मैं बताता हूँ, यू आर अरेस्टेड माय फ्रेंड। चलो ये वाला जो प्रिजनर है वो हमने पकड़ लिया, बहुत बढ़िया, अब तो बहुत जल्दी जल्दी मिल रहा है भाई, अच्छा इतनी जल्दी ये प्रिजनर कह रहा हूँ मैं, जो स्मगलर्स वो मिलते नहीं है, बट चलो कितने हो गए अपने पास, तीन बंदर हो चुके हैं अपने पास, चलो इन तीनों को लेके चलेंगे, कितने रख सकते हैं हम, 8 रख सकते हैं, बढ़िया से साफ सफाई कर भाई तू, चलो फटाफट चलते हैं, इसकी जो गड्डियाँ ऐसे हटाता हूँ, एक तो दो बंदे पीछे और हैं, तो जाके उनकी भी करते हैं हम चेकिंग। तो ये जो बंदा है भाई ये ना यूनाइटेड रैली का है, और यूनाइटेड रैली का ये देखो यहाँ पे नेशनलिटी यहाँ पे भी दे रखी है, तो ये भी एक स्मगलर हो सकता है, मतलब हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, नाम तो इसका मैच कर चुके हैं, और उसके बाद जो इसका पासपोर्ट नंबर है ठीक है भी मैच है, डेट ऑफ बर्थ इसकी 35, ठीक है, और एक बार व्हीकल का वेट कर लें इसका,
और यहाँ पे अब मैं चेकिंग करता हूँ, ये देखो यहाँ छुपा के लेके जा रहे हैं। बोलो इसको, इससे नहीं खुलेगा ये, अभी इससे भी नहीं खुलेगा, एक मिनट। शॉटगन, शॉटगन से तो खुलना चाहिए यार, शॉटगन से भी नहीं खुल रहा। एक मिनट, तो बाहर ही निकल भाई। यार वो चीज़ है नहीं ना मेरे पास जिससे खोलते हैं, वो फावड़ा सा पिकैक्स जैसी जो होती है, वही नहीं है मेरे पास। ये चलो कम से कम यहाँ से तो थोड़ा सा कॉन्ट्रबैंड में मिलेगा, ठीक है। क्या कोकेन लेके जा रहा है क्या? ड्रग्स, हाँ ये देखो भाई ड्रग्स लेके जा रहा है भैया ये, फटाफट से इसके ड्रग्स ले लो। इसमें, इसमें तो नहीं है और इस वाले में भी नहीं, ठीक है। इसको भी अरेस्ट ही करते हैं सीधा। चल भाई सीधा इसको करते हैं अरेस्ट। ये वाला भी मुजरिम पकड़ा गया भाई, आज का दिन तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है हमारे लिए, इनके लिए बहुत ख़राब है कि सारे पकड़े जा रहे हैं। बट चलो एक प्रिजनर और हो चुका है, और अब एक काम करते इसको करते हैं बंद और फटाफट से चल के ना। कितने बंदे रह गए अभी? अभी एक और आ गया, मुझे लगा ये इसके बाद एक सिर्फ लास्ट ही है, बट एक बंदा और आ चुका है, उसके भी चेकिंग करनी पड़ेगी। चलो भाई आज का जो दिन है वो भी ख़त्म हो चुका है, मतलब जो बंदे आए थे वो तो सारे आ चुके हैं, और अब मैं काम करने वाला हूँ, ये जितने भी अपने पास प्रिजनर्स पड़े हैं ना इनको लेके जाने वाले हम लेबर कैंप, ट्रांसफ़र टू पुलिस कार। एक मिनट यार, वो वाली कार मुझे, एक मिनट, क्योंकि अभी हमने वहाँ पे कार को सिलेक्ट कर रखा है ना, तो अपने जो वो ट्रक है ना अपना, तो मुझे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी में मैं ज़्यादा जो प्रिजनर्स हैं उनको ले जा सकता हूँ। तो फटाफट से अपने बंदे को बोलते हैं कि भाई यहाँ पे वो वाली कार लेके आ जाओ। एक मिनट, अच्छा पहले रिपेयर करवानी पड़ेगी, ठीक है पहले रिपेयर कर दे भाई तो इसको। चलो इसको हमने करवा दिया रिपेयर, और अब हम इसको करा देते हैं चेंज। एक मिनट, कार्गो है क्या इसमें? क्या है इसमें? ये पाइप पड़ी है, ये क्रोबार है, एक है ब्रांच, ठीक है मैंने कर दिया खाली। और अब हम इसको बोलते हैं यहाँ पे लाडेड ट्रक, ये रहा, आत्मा दूर हो, ठीक है। चलो अपना ट्रक आ चुका है, और अब जो प्रिजनर्स हैं उनको लेके आते हैं। मेरे पास भाई $584 हैं, मैंने एक गलती करी अभी, वो बंदा जाने दिया यार, उसकी चेकिंग मैंने ढंग से करी नहीं, तो बस उससे कोई दिक्कत ना हो जाए। बट चलो हम फटाफट से जो बंदे हैं इनको हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी पुलिस कार में। चलो चलो भाई, तीन और एक ये, तो भी चलो ठीक है, सबको हमने कर दिया ट्रांसफ़र, और अब यहाँ से हम इसको लेके जाने वाले हैं। वैसे देखो हम पुलिस वैन भी बुलवा सकते थे, लेकिन वो क्या भाई $500 ले लेंगे, ठीक है $500 ले लेंगे, फिर उसका फ़ायदा है नहीं, क्योंकि 500 अपने कट जाएंगे अभी पैसे, अगर ज़्यादा होते फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर तो हम ट्रैवल ना करते, हम उसको बुला लेते। बट अभी अपने पास इतने पैसे नहीं हैं, तो हमें खुद ही जाना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट से यहाँ से चलते हैं हम सीधा लेबर कैंप के। तो अभी जितने भी मुजरिम थे उन सभी को मैं लेके आ चुका हूँ यहाँ पे लेबर कैंप पे। फटाफट से अपनी गड्डी से उतरते हैं भाई। वैसे मैं काफ़ी जल्दी पहुँच जाता, लेकिन एक दूसरे रास्ते से जब मैं जा रहा था भाई, वहाँ पे बीच में पेड़ कट के गिर रखा है। अब मेरे पास एक्स तो थी नहीं जिसकी मदद से मैं उसको तोड़ सकूँ, काट सकूँ, तो मुझे बहुत बड़ा रूट भाई करके आना पड़ा। बट चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके पहुँच चुके हैं। $800 मुझे मिल चुके हैं भाई, $1384 हो गया अपने पास में, और इतने में तो वो जो वो है ना स्नाइपर राइफल वो आ जाइए मेरे हिसाब से। बट एक मिनट, सबसे पहले ना इसको मोड़ने के लिए, चलो इसको बैक ही लेके चलते हैं, कोई बात नहीं, अब घुमा ही लिया तो ऐसे ही इसको लेके चलते हैं। बस टकराए ना, टकराए ना, नहीं 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 नहीं, अबे नहीं, खोल दो भाई, खोलो 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 इसको, हाँ ठीक है। चलो अभी फटाफट से यहाँ से हम सीधा निकलते हैं वापस से, लेकिन अगर मैं उल्टी दिशा में जाऊँगा तो वहाँ पे, क्योंकि रास्ता बंद है तो मैं वहाँ से जा नहीं पाऊँगा, अपने पास एक्स नहीं है। तो यहाँ से ना हम सीधा चलते हैं वलैड की शॉप पे, ठीक है। यहाँ से जो वलैड की शॉप है वो रास्ते में पड़ेगी, तो वहाँ से एक एक्स खरीद लेंगे, और हम एक वो जो पिकेक्स टाइप की होती है ना, तो वो भी हम खरीद लेंगे। फटाफट चलते हैं, वलैड की शॉप खुली है ना भाई? खुली होनी चाहिए, ठीक है ओपन है, बहुत बढ़िया। तो इससे हम कहाँ की वो स्नाइपर, और 2800 की भाई, तो ज़्यादा महंगी होगी। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक तो हम खरीदेंगे ₹100 की आइस एक्स, ठीक है, और उसके बाद अच्छा यही थी वो, ठीक है, वो जो पिक एक्स जैसी थी ना वो यही थी, तो अब हमें और कुछ खरीदने की ज़रूरत तो है नहीं। एक ये खरीद लेता हूँ, मेरे पास ये भी नहीं है, ठीक है। चलो हमें पैसे काफ़ी इकट्ठे करने पड़ेंगे, 2800 की ना, तो अभी मेरे पास 1600 कुछ है, तो मेरे को $1200 चाहिए, ये कुछ ज़्यादा पैसा है यार, $1200 इकट्ठे करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट इकट्ठे तो करने पड़ेंगे अगर हमें एक स्नाइपर राइफल ख़रीदनी है तो। लेकिन चलो अब यहाँ से फटाफट से निकला जाए, भाई निकल निकल भाई, तू निकल सबसे पहले जा ना, क्या होगा इसको, निकल जा, ठीक है यहाँ से फटाफट चलते हैं अपने बॉर्डर पोस्ट पे हम। ओके तो अभी आके मैं जस्ट लेट आई था, और अभी अपने ऊपर उठ चुका है अटैक भाई, ये रेस्ट भी नहीं कर रहे थे बताओ, इतनी दूर से मैं आया हूँ रेस्ट करने, जैसे बिस्तर पे पाँव रखा ना वैसे ये आ गया, तो पीछे से कम आ गया, चलो आगे से तो आ रहे हैं।
यार स्नाइपर राइफल हो ये क्या चला रहा है। एक मिनट रुको रुको रुको, ये चीटिंग है। मुझे अपनी वो निकालनी पड़ेगी। हेडेड मार के ना एक एक में खत्म करो, एक एक दो दो में ना, क्योंकि ज़्यादा एमो नहीं है एक मिनट, इसलिए एक एक दो में खत्म करना है। ओ भाई ये नेट किसने बैठा भाई वहाँ पे, ये भी खत्म, वहाँ से एक आ रहा है, ये भी गया। इसमें कितने एमओ है भाई, इसमें भी 8 एमओ पड़ी है इसका भी। नेड 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 छुप गया, नहीं छुप गया नहीं, उसको लटका दिया भाई उन्होंने। मेरे बंदे संभाल लेंगे वैसे तो, मुझे एमओ वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, बट यार हमें भी थोड़ी मार धाड़ करनी पड़ेगी ना, तभी तो मजा आएगा। रिलोड करो सबसे पहले फटाफट इसको, तो कब फुल्ली रिलोड कर लेता हूँ, बीच बीच में टकती रहेगी ये। ए गया खत्म, चलो अब घुस के मारेंगे। अबे नेड 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 यार, इनकी एमो उठाना मुझे पड़ गई, इसलिए वो भारी पड़ रहे भाई हमारे पर, बट खत्म होने वाले हैं। चल तेरी, मर गए सारे, ये एक और बचा है भाई। ये बहुत ही गंदा अटैक हुआ हमारे ऊपर। कितने कितने पैसे, $2300 $300 चलो हमारे उनके कट गए बंदों के। बात भाई दबा के पैसा मिल गया, ये तो $2814 अपने पास में, बहुत सही भाई, क्योंकि अटैक ही अपने बाप अपने ऊपर बहुत तगड़ा अटैक हुआ था भाई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम जीत गए, हमारे 3 बंदे इंजर्ड हो गए हैं, बट हमने उनको करवा दिया, उनकी ट्रीटमेंट करवा दी है। और अब हम एक काम करने वाले हैं, अब जाके हम खरीदने वाले हैं एक स्नाइपर, ठीक है। अब फटाफट से काम करते हैं, चलते हैं, ऐसे मैं उसको बुलाऊंगा ना तो $200 वैसे ही ले लेगा यार। तो फिर रहने दो यार, लेकिन अब बंदे आएंगे ये, इनकी भी तो चेकिंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा फिर वो कमांडर बोलेगा भाई इनकी चेकिंग करो, तो मुझे चेकिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले। मैं काम करता हूँ, मैं ना उस बंदे को बुला ही लेता हूँ, ब्लैड को ना यहाँ पे हम बुला ही लेते हैं, ठीक है। और जैसे अपने पास $2800 वापस होंगे तो फिर हम स्नाइपर खरीद लेंगे। तो यहाँ से कॉल फॉर सप्लाई कर लेते हैं हम, ठीक है। और जो वो अपना बंदा है ब्लैड है वो आ जाएगा, और उससे हम खरीद लेंगे थोड़ा सा सामान। मैं इस गन को एक काम करता हूँ रिलोड मार के रख लेते हैं, क्योंकि कभी भी अपने ऊपर अटैक हो सकता है, रखो इसको जेब में। चलो आज भाई पहला बंदा, $2614 अपने पास में, अपने को बस कितने 180, ठीक है 186 डॉलर हमें और चाहिए बस इस। अरे भोल भाई ला, कितने बंदे बचे, 2 ही बचे हैं, एक की ब्रोकन विंडो और ड्राइवर एज 54। ब्रोकन विंडो ठीक है, तो पहले इसकी एजी चेक करते हैं। 50 ये तो इसका, ये तो ठीक है यार, मिसमैच कर जाए ना फिर ठीक रहेगा, नहीं तो चेकिंग में ना कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। मैच ये भी कर गया, डेट ऑफ ये भी तो ठीक ही है इसका, 2030 इसका व्हीकल का वेट है 2030। एक बार हम चेक कर लेते हैं, रुको मैं एक बार कोई लीगल आइटम ना हो इसके पास वो कंफर्म कर लेते हैं। नहीं इसमें भी नहीं है, ये तो मुझे शरीफ से लग रहा है। इसके पास ये पड़ रखा है, तो इसको मैं मार कर लेता हूँ ऐसे, फोन लेने की ज़रूरत नहीं भाई, अंदर अंदर मार कर लो, ये ठीक हो गया। उसके बाद इसमें भी कुछ नहीं है, एक बार ना इसको बाहर ही बुला लेते हैं, ठीक है। और ये सारा इसको मार के कर लो भाई, अंदर चलते हैं। कोई इसके पास इलीगल आइटम मुझे लग नहीं रहा, चलो लेकिन यार वो करना पड़ेगा ना इसके अच्छे से चेक, कहीं इसके पास कार्गो गलत हो, ठीक है। सारा मार के हमने कर लिया, कार्गो लिस्ट एक बार देख लेते हैं, 4 ये हैं इसके पास, लगेज 6 दिखा रहा है इसमें, 6 लगेज लेके जा रहा है, डिटर्जेंट 2, ये तो ठीक है, बट कार्गो लिस्ट गलत है इसके, तो हम जाएंगे इंस्पेक्शन रिपोर्ट में और यहाँ पे हम कर देंगे कार्गो लिस्ट गलत। और अब हम एक काम करते हैं, इसको जाने देते हैं, क्योंकि इसके पास सब कुछ ठीक ही है, बस इसके पास कार्गो लिस्ट इसकी गलत थी, वो तो हमने चेक कर लिया,
इसका सामान जो है वो हम सारा कर देते हैं वापस इसको। ठीक है, सारा सामान हमने कर दिया वापस, और अब हमें क्या करना है, एक मिनट, अब हमें इसके जो टायर्स है ना फ्लैट तो नहीं है, नहीं इसके लाइट्स वगैरह टूटी तो नहीं है, ये भी ठीक है, मिरर भी ठीक है, विंडो भी ठीक है। चल भाई तू जा सकता है, तो यहाँ से जा, अप्रूव कर देते हैं इसको। बस पैसे मिलने चाहिए, कटेंगे ना फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर हम स्नाइपर खरीद नहीं पाएंगे, फिर उसके लिए और टाइम हमें देना पड़ेगा, इसलिए मैं फटाफट से अगले बंदे को बुलाता हूँ। इसके बदले बस पैसे दे देना भाई मुझे, आ जाओ भाई फटाफट आ जाएगा, देखते कि ये स्मगलर है या फिर नहीं। पैसे काट, इस बात के पैसे काटे। व्हीकल टाइप यार नहीं, व्हीकल टाइप $200 काट लिए बताओ। ओके, तो बस अभी मुझे ना $64 और चाहिए, और अपने पास पूरे $2800 हो जाएंगे। तो ये जो बंदा आ रहा है इसकी चेकिंग करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे देख लेते हैं इसके पास कुछ इलीगल आइटम तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। एक मिनट ये देखो भाई इसके पास पड़ा है इलीगल आइटम। तो अभी हम एक काम करेंगे, इस क्रोबार को रखेंगे यहाँ पे, और इसको एक्स को यहाँ पे, और इसको खोलो भाई इसको, ये देखो निकल गया ना काउंटरबैंड, निकाल निकाल निकाल, क्या है कोकेन पड़ा इसके पास, लेकिन अपनी स्पेस भर चुकी है। कितने पैसे दे रहे हैं, $600 प्लस, ये मर जाएगा इससे मारने को, ये फावड़ा खा, नहीं यार इससे मर सकता है, ऐसे अंदर रख लेने तो ये तेरी गर्दन पे सीधा घूम जाएगा। अंदर रख भाई इसको, ये तो ढीट है भाई, अंदर रखना इसको, समझ नहीं आ रहा भाई इतनी देर से बोल जा रहा हूँ, अंदर रख बस इसको, अब अरेस्ट करते हैं ठीक है, और अपने पास हो जाएंगे पूरे $2800। क्या बात है भाई, आखिरकार अपने पास पैसे हो चुके हैं ताकि हम एक स्नाइपर राइफल खरीद सकते हैं, और स्नाइपर राइफल खरीद लेंगे मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, अपने पास फिर स्नाइपर राइफल हो जाएगी ना, फिर तो दूर दूर से बंदों के पटकाएंगे शॉट। तो अब एक काम करा जाए, फटाफट से यहाँ पे ये जो कचरा है इसको यहाँ से हटाते हैं, और उसके बाद अपने को पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये हटाएंगे तब जाके अपने को पैसे मिलेंगे। कितने पैसे मिले, $160 अपने पास, $2894 हो चुके हैं। तो फटाफट से चला जाए, और वो जो स्नाइपर है उसको हम खरीद लेते हैं। चलो 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 जल्दी, कहाँ की वैन, ये रही यहाँ पे आ रखा है वलैड अपनी वैन को लेके, और फटाफट से हम इससे खरीदेंगे स्नाइपर $2800 के। एक मिनट यार, अपने पास ये सामान हो रखा है ना, सबसे पहले सारा सामान मुझे खाली करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इस सारे सामान को ना अपने वेयर हाउस में डालेंगे, कार में डालता हूँ ना, फिर कार बार बार खाली करनी पड़ती है, इससे अच्छा वेयर हाउस में डालो अगर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो निकाल के जाके हम भेज देंगे उसको, नहीं तो अभी तो कोई काम है। फटाफट से चलते हैं, कहाँ की लिस्ट, मैं इसके अंदर सामान अच्छा यहाँ से रख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें स्टोरेज में देखो वैसे भी भाई पिस्तौल की एमओ वगैरह रख रखी है मैंने, ये जो वेपन्स है ना और ये जो मनी है ये सारा मैं इसमें रखने वाला हूँ। कहाँ गया ये भी वेपन्स है, इसको बाद में जाके ना हम बेच के आएंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको यहीं पर रख देता हूँ, ये पिस्तौल की एमओ वगैरह मैं रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 3 MO और है। ओके, और अब इसको कर देते हैं बंद, और फटाफट से जाके अब जो स्नाइपर है उसको हम खरीद लेते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे अगर कोई अपने को तगड़ा सा मिशन मिलता है फिर भाई स्नाइपर को यूज़ करेंगे, क्योंकि स्नाइपर की एमओ भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है, इसलिए हम उसको कम ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगी अपने पास स्नाइपर राइफल। चलो, एक एमओ कितने की, देखो $50 की, अपने पास सिर्फ $94 बचे ना, तो अभी मैं पैसे यूज़ नहीं करना चाहता। और स्नाइपर एक बार हम देखें तो कहाँ की स्नाइपर, स्नाइपर स्नाइपर, ये इसको हम रखेंगे फावड़े की जगह पर। ये देखो भाई कार 98 है ये तो, लेकिन इसमें स्कोप तो है नहीं भाई, ये क्या ऐसे ही चलाना पड़ेगा मुझे नो स्कोप के, क्या फ़ायदा हुआ इसका यार, मुझे तो लग रहा था इसमें स्कोप वगैरह मिलेगा तब मज़ा आएगा चलाने में, लेकिन ये तो नकली होगी यार, चला के देखे एक बार। ओ भाई ऐसे है तो बढ़िया, लेकिन स्कोप नहीं है ना, फिर उसी की दिक्कत है, बट चलो कोई बात नहीं, अपने पास एक स्नाइपर आ चुकी है। तो ठीक है गाइस, आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा फटाफट से जाके फॉलो कर लो, और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।